बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, आज सबसे पहले आपको ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बबरकत दिन सबको मुबारक हो, और अल्लाह ताला इस रहमत और बबरकत दिन के सबके हम सब के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतरीन और आसानियां पैदा फरमाए। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अगर सियासी हालात की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो तौहीन अदालत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर पर जो तौहीन अदालत लगी है 13 फरवरी को, जो उनको तलब कर लिया गया, अब एक आईनी और कानूनी बहस तो चल निकली है, और दूसरी जानिब ये ऑप्शन भी है कि क्या प्राइम मिनिस्टर जेल जाएंगे या फिर उन पे कंटेंप्ट लगती है, ना अहल होंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन पे बहस हो रही है, इस वक्त गुफ्तगू हो रही है मुख्तलिफ टॉक शोज में। लेकिन इस अगर इस मामले की सियासी नोयत को देखें तो एक जानब हमें सुप्रीम कोर्ट नजर आती है, और दूसरी जानब पाकिस्तान के मुंतखब ईवान का कायद जिसे हम जिक्र करें से यूसुफ रजा गिलानी की। लेकिन सबसे अहम बात जो हमें अभी तक नजर आ रही है, तमाम अगर सियासी जमातों की हम बात करते हैं तो किसी ने भी इस मामले पर प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगता है कि वो भी फुल मूड में है। गिलानी साहब का कैंप भी फुल मूड में ऐसा नजर आ रहा है कि वो इस तमाम तर सिचुएशन का मुकाबला करना चाहते हैं। और सदर आसिफ अली जरदारी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने बमांगे दोहल अब कह दिया कि अवाम के वोटों से आए हैं और अवाम के वोटों से ही जाएंगे, और अर्ली इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे। लगता कुछ ऐसा ही है कि जैसे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी का जिक्र कर रहे हैं तो वो किसी जाने के मूड में नहीं है। बाकायदा वो कह रहे हैं कि मुकाबला करेंगे, और कुछ उनका इशारा सेनेट के इलेक्शन की जाने भी होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कल भी ये कहा कि ये जो तमाम इस वक्त साजिशें हो रही हैं ये सेनेट के इलेक्शंस रुकवाने के लिए हो रही हैं, और अगले आने वाले चंद दिनों में ये खेल वाजिया हो जाएगा। क्या उनका इशारा इमरान खान की जानिब है, जो उन्होंने जिमनी इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जो दायर कर दी है, क्या इशारा उस जानिब है कि क्या उस पिटीशन पर अगर कोई फैसला आता है तो फिर सेनेट इलेक्शंस रुक सकते हैं या फिर अर्ली इलेक्शंस अनाउंस हो सकते हैं। और दूसरी जानब हम नून लीग की अगर अब बात करते हैं तो वो गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, साथ निगरान सेटअप के हवाले से भी उनके कुछ तहफ़ुज़ात हैं कि गैर जानबदाराना ऐसा सेटअप कायम किया जाए। बाकी वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट जाने या हुकूमत अपने मामला को देख सकती है। अब लगता कुछ ऐसे है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी जानब पीपल्स पार्टी है, और बहुत सी बाहर बैठी कुवतें इस बात के इंतजार में हैं कि कब इलेक्शन का अनाउंस किया जाता है, और तमाम सियासी जमातें इस हवाले से भी अपनी अगला लाहे अमल का ऐलान करेंगी। हाउस के अंदर कोई तब्दीली नहीं चाह रहा, तमाम नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है कि कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आया हो जिसके बाद आगे सियासी जमातें अपना लाहे अमल बनाएं। इसमें हम मजीद गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने जिक्र किया, तमाम तवक्कुआत अब अदालत उज़्मा से हैं, तो ही अदालत का केस वहां मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साजिशें दिखाई दे रही हैं। इमरान खान एक पिटीशन लेकर चले गए अदालत में कि जिमनी इलेक्शन के हवाले से जो फेक वोटर्स हैं इस पे सेनेट के इलेक्शन जो है रुकवाए जाए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत सारे क्राइसिस का शिकार है, पंजाब में जाली दवाइयां हों या डेंगी, और इसकी साजिशों का भी जिक्र फिर कुछ मरकज की जानब इशारे किए जाते हैं। इसी पे हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे फैसलाबाद से राजा रियाज साहब, मेंबर हैं पंजाब असेंबली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सीनियर रहनुमा हैं। फारूक अमजद मीर साहब हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब, रुकन कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। राजा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, पहले तो ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब 13 तारीख को अदालत में उनको तलब कर लिया गया, कंटेंप्ट का केस है और एक चार्जशीट उन पर पेश की जाएगी, क्या वजह है प्राइम मिनिस्टर को साजिशें दिखाई दे रही हैं? वो ये कह रहे हैं कि तमाम साजिशें सेनेट के इलेक्शंस रुकवाने के लिए की जा रही हैं, और जरदारी साहब भी अब यही कह रहे हैं कि अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए और इन्हीं वोटों के जरिए ही जाएंगे, तो साजिशें आपके खिलाफ कहां तैयार हो रही हैं इस वक्त? जी शुक्रिया मोहतरमा। मोहतरमा बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप जानती हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात है, और हमेशा जब भी हम इकतदार में आए हैं हमारे खिलाफ साजिशें होती रही, और इस दफा भी हो रही हैं। लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और पूरी टीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डट के मुकाबला कर रही है और करती रहेगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे। अब सेनेट का इलेक्शन इनके जो सबके लिए एक मुश्किल वक्त है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ी अक्सरियत सेनेट में मिल जाएगी, और उसके बाद शायद ये समझते हैं कि अगर किसी और की हुकूमत बनी भी तो वो इस तरह काम नहीं कर सकेगी जिस तरह के उसे आजादी से करने का मौका होता। राजे साहब, ये साजिशें कर कौन रहा है? ये हर एक जानना चाहता है कि ये साजिशें कर कौन रहा है आपके खिलाफ?
ये साजिश में सबसे बड़ी जो पार्टी है वो मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ हैं, इसी तरह और भी लोग उनके साथ हम रकाब हैं, जैसे जैसे वक्त आएगा आपके सामने आ जाएंगे ये लोग। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि जमहूरियत होनी चाहिए, अवाम को फैसला करने का मौका मिलना चाहिए, हमें अवाम लेके आए हैं पाकिस्तान के, और अगला इलेक्शन जब आएगा इंशाल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब अपना इलेक्शन में भरपूर तरीके से जाएगी, और हमें यह यकीन है, कोई माने या ना माने, हमें यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफा फिर अगले इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जीत के सामने आएगी, भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। आपने सुनी होगी राज साहब कह रहे हैं कि इनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, सदर साहब कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर यही कह रहे हैं, और जब राज साहब से मैं पूछनी हुई कह रहे हैं सबसे बड़ी साजिशी जो है मुस्लिम लीग नून है और हम रकाब हैं, वो भी मैं पूछूंगी बाकी कौन है, दीगर इनके साथ कौन शामिल है। तो ये साजिशें आप कर रहे हैं, कहां ये तैयार करते हैं ये साजिशें, और क्या हुकूमत को घर भेजने के लिए अब आप सिर्फ साजिशों में शरीक रहेंगे क्या? नहीं, पहले तो मैं राय साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनकी हिस्से मजार जो है वो दर्जा कमाल तक पहुंची हुई है। जिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता था वो 1967 टू 2007 रफली 40 साल का अरसा है जिसमें आप कह सकते हैं, लेकिन 5 अक्टूबर 2007 की रात को परवेज मुशर्रफ के इलेक्शन से चंद घंटे पहले जब नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस NRO जारी हुआ, उस दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्रेडेंशियल्स हैं वो बहुत ही मशकूक हो गए। और सच ये है कि मोहतरमा शहीद की शहादत के बाद से हम बड़ी वजाहत से कह सकते हैं कि भुट्टो की पार्टी एंटी एस्टैब्लिशमेंट थी, आज की पीपल्स पार्टी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा बात यह है कि जो साजिश है ये साजिशों की तरफ पॉइंट आउट करके दरअसल अपनी जो 4 साल की एक बहुत ही घनावनी और गंभीर दास्तान है बद इंतजामी की, करप्शन की, इदारों की तबाही की, ये बात बड़ी दिलचस्प उस दिन चौधरी इंतजार हसन ने सुप्रीम कोर्ट में की, आप भी शायद वहां मौजूद होंगी। उन्होंने कहा कि जी वजीर आजम चूंकि बड़े मसरूफ रहे हैं इन तमाम, और उन्होंने कहा जी साजिशें बहुत हुई हैं हमारे खिलाफ और वजीर आजम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कोर्ट के वर्डिक्ट पढ़ सकें, लेकिन इस दौरान इनके पास पूरा टाइम था पाकिस्तान स्टील को लूटने का, PIA को लूटने का, OGDCL में अनक्वालिफाइड लोगों को लगाने का, हाजियों की जेबें काटने का, ओवरऑल जो पूरा एक सिचुएशन है ये पूरी मुल्क की तबाही के लिए तो बहुत टाइम था बिल्कुल, लेकिन अब मुल्क के जो इदारे हैं उन्हें अब इदारों को ठीक है स्ट्रेंथन नहीं किया गया, बड़े मालियाती इदारे खसारे का शिकार हमें इंतजामी इदारे लग गए। जब हम मेमो गेट के ऊपर गए हैं कोर्ट में तो हमने तो इस्तदा की कि ये मामला संजीदा है, इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए, कमीशन बन गया, उसका जो भी नतीजा है हमें अदालतों पर एतमाद है। और एक और बात पर भी मैं जरूर राय साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि इंसाफ की राह में रोड़े अटकाना, अदलिया के अहकाम हुक्म अदूली में जो है वो तौजीहात पेश करना, ये भी कमाल है। और पूरी तो तौहीने अदालत आ गया ना इनके लिए, तो तौहीने अदालत पे आप लोगों ने भी इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया, ये तो कह रहे हैं हमें जेल भेजेंगे तो हम जेल चले जाएंगे, जो कोर्ट कहेगी हम वही करेंगे, तो फिर इखलाकी तौर पे क्या होना चाहिए? इस्तीफे का मुतालबा कहीं से नहीं आया ना इस वक्त। बात तो ये है कि कहीं ना कहीं दो जगह पे आसपास बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो मुहावरा है कि द बक स्टॉप हियर, पाकिस्तान में दो जगह पे बक आके स्टॉप होता है, जहां तो अदालती मामलात हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बीइंग दी हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट, वहां जाके कहीं ना कहीं एक फैसला और जो रेजोल्यूशन होना है। दूसरा पाकिस्तान के जो इंतजामी मामलात हैं वो जाकर मोहतरम वजीर आजम के डेस्क पे जाके वो खत्म होनी उनकी जिम्मेदारी है, और वो ये नहीं कह सकते कि जी मुझे तो वक्त नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं, तो मुझे एडवाइस नहीं की। और दिलचस्प बात यह है कि आज के जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने फौरी तौर पर इनकार कर दिया कि मैंने तो खातना लिखने की एडवाइस नहीं की, एडवाइस की असल मामला जो है आप ये कह रहे हैं असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। करोड़ डॉलर लगाई गई है जो स्विस बैंक में पड़े हैं वो उस पे पर्दा डला हुआ है, वो मैं इसी पॉइंट को मजीद आगे बढ़ाते हैं। फारूक अमजद मीर साहब से मैं ये जानना चाहूंगी, जी ठीक है खुर्रम दस्तगीर साहब, फारूक अमजद मीर साहब से मैं जानना चाहूंगी, आप भी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, साजिशों का जिक्र करिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इल्जाम लगता है नून लीग पे, कुछ हम रकाबों का जिक्र भी कर रहे हैं, इशारा शायद आप लोगों की जानिब भी है, इमरान खान जैसे कि ऑलरेडी कोर्ट ने खुद से टाइम दिया था 23 फरवरी तक का जिसमें कहा गया था बोगस से जो वोटर लिस्ट है उनको दुरुस्त किया जाए, और 30 फरवरी के हवाले से ये केस भी वहां पे अदालत में होगा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान को ये पिटिशन दोबारा से ये दाखिल करना पड़ी कि ये जो इलेक्शंस हैं रुकवाए जाएं? देखें एक बात तो ये है कि सारा पाकिस्तान जानता है
करोड़ों वोट जो हैं वो इस वक्त बोगस हैं वोटर लिस्ट पे। तो इस वजह से जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट और रिमार्क्स में ये बात बड़ी वाजे कर दी, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह रिटाई से ये कहा कि जनाब हमारे से तो नहीं बनती और हम तो इन्हीं पे इलेक्शन कराएंगे, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम का ये हक है कि जो लोग उनकी ठीक नुमाइंदगी नहीं कर सकते, उनके नुमाइंदे मुंतखब ही नहीं हो सकते, तो इस वजह से उनको रोकना ज़रूरी है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। जो गुफ्तगू अभी तक हो रही थी मैं उस पर, चूँकि मुबारकबाद का दौर लगता आ गया, तो मैं खुर्रम दस्तगीर साहब को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इनकी नज़र एक मिसरा करना चाहता हूँ कि कब खुला तुझ पे ये राज, इनकार से पहले के बाद, जो करप्शन है पीपल्स पार्टी की और जो बद इंतजामी है पिछले 4 साल की, 3 साल तो इनको नजर नहीं आई, इनको एकदम इंकशाफ अब हो गया है कि ये करप्ट हैं। और वो वक्त इनको याद नहीं रहा जब मियां नवाज शरीफ साहब ने इन्हीं आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में वो लीड स्टोरीज थी कि अगर पीपल्स पार्टी इनका साथ छोड़ भी दे तो हम इनके साथ खड़े होंगे जिनका नाम आसिफ अली जरदारी है। अब जब के इलेक्शन का दौर आ गया है, मुझे मुझे जरा इजाजत दें, मुझे इजाजत दें, मुझे इजाजत दें। जब आया पार्लियामेंट के सामने और उस दौरान शहबाज शरीफ पिटिशनर बने सुप्रीम कोर्ट में एनआरओ के खिलाफ, ठीक, और कोई सियासी पार्टी जो है वो उस तरह एनआरओ के खिलाफ नहीं गई कोर्ट में। चलें, आप कह रहे हैं कि आप एनआरओ के खिलाफ हैं, मुझे इजाजत दें, उनको जवाब देने दें, फारूक अमजद मीर साहब को। गैर आईनी और गैर जमहूरी इंटरवेंशन, जनरल की इंटरवेंशन अगर उसके खिलाफ होगी तो हम हमेशा जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े, ठीक, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब जियाउल हक के खिलाफ खड़े थे और आप लोग जो है वो उनके साथ थे, आपके वालिद भी, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मेरी बात जो है वो बड़ी वाजे है। चले, अगर आप दाती, दाती आप नहीं, फिर आप मेरी बात काटेंगे तो मैं क्या करूंगा। चले बात सुन लें, पहले बात सुन लें कि हमने मुलाकात की आईएसआई के चीफ से, प्लीज मेरी गुजारिश है दातियात पर ना आए वरना मामला बहुत आगे जाएगा। अमित साहब चले, आप भी फिर जो है मुझे बात तो करने देना, आप मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा। अब दूसरी बात जो है ये बड़ी आवाम के वाजे सामने आ गई है, वो बात ये है कि जिस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी को मुश्किल पड़ती है उस वक्त मुस्लिम लीग नून अपना वजन उनके पलड़े में डालती है। अब ये जो 20वीं आईनी तरमीम के मामले में जब आइसोलेटेड नजर आ रही है पीपल्स पार्टी और अदलिया और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं, उस वक्त फिर एक बहाने से, आईनी तरमीम के बहाने से मुस्लिम लीग नून ने अपना वजन जो है वो फिर पीपल्स पार्टी के पलड़े में डाल दिया है। और चौधरी निसार अली खान जो अपोजिशन लीडर हैं और मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो रिकॉर्ड पे हैं, उन्होंने कहा जी कि जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टीज हैं ये मिलके यूं करेंगी और वो करेंगी। इसका मतलब बड़ा वाजे है कि ये जो सिस्टम जिससे पाकिस्तानी अवाम जान छुड़ाना चाह रहे हैं उस सिस्टम को बचाने के लिए, उस सिस्टम पार्लियामेंट में बैठ के ये आपस में मिले हुए हैं, ये इस पार्लियामेंट में बैठ के आपस में मिले। मेरा आपसे ये सवाल होगा कि आपको स्ट्रीट पार का क्यों नहीं आप उसको इस्तेमाल करते? आप भी सुप्रीम कोर्ट चले गए, हर कोई उठता है वो सुप्रीम कोर्ट जाके पिटिशन ले जाता है। अगर सेनेट इलेक्शंस रुकवाने थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि साजिशें नजर आ रही हैं, अगले आने वाले चंद दिनों में साजिशें खुल जाएंगी कि सेनेट इलेक्शंस रुकवाने के लिए, तो आप कोर्ट गए, स्ट्रीट पार को इस्तेमाल नहीं करेंगे इनको घर भेजने के लिए? सुन ले, पहले आपको भी शायद मैं क्लियर कर दूं, हम सेनेट इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, हम बड़े क्लियर हैं, हम उस जिमनी इलेक्शन के खिलाफ गए हैं जो कौमी और सूबाई असेंबलियों की खाली नशिस्तों पर होना है। सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ एक और साहब गए हैं, हम उनके मामलात के जो है वो जिम्मेदार नहीं है। जहां तक इन दोनों पार्टीज का ताल्लुक है, ये भी देख लें, जब इनका आपस में अंदर तय हो जाता है कि ये हमने लोड शेडिंग अब खत्म कर देनी है, मुस्लिम लीग नून सड़कों पे आती है, दूसरे दिन लोड शेडिंग खत्म हो जाती है। अब जो 14-14 घंटे पंजाब में लोड शेडिंग हो रही है, अब ये सड़कों पर नहीं आएंगे। और एक और बात, जब 18वीं तरमीम पे ये सारे मिलके दस्तखत कर रहे थे और पंजाब के गले में फंदा डाला जा रहा था, उस वक्त ये मियां शहबाज शरीफ साहब जो है ये होश में नहीं थे, ना मुस्लिम लीग नून होश में थी। जब पाकिस्तान के एक बड़े सूबे पंजाब की गैस बंद की जा रही थी, जब बिजली बंद की जा रही थी, जब इसके और मामला जो है वो खराब किए जा रहे थे, उस वक्त इन्होंने बड़े फखर से कहा कि हमने देखे कैसी तरमीम कर दी। आज इन्होंने खत लिख दिया, आज इन्होंने खत लिख दिया, ये बता दो। बिल्कुल, मैं राजा साहब आपसे जवाब लूंगी, मैंने आपसे जवाब लेने, बिल्कुल वो उन पे जरा बात करें, मैंने आपसे भी जवाब लेना राजा साहब से। मैं खुरम जरा मैं राजा साहब से जवाब ले लूं। राजा साहब, ये फिर फारूक अमजद मीर साहब की गुफ्तगू सुनकर मुझे भी यही लग रहा है, वो कह रहे हैं कि आपस में आप दोनों पीपल्स पार्टी नून लीग पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आपस में आप मिले हुए हैं, लोड शेडिंग या वो बाकी चीजों उन पे आप लोग ये आप हमेशा आके आपका साथ दे देते हैं, फिर आपको नून लीग क्यों बुरी लगती है? फिर आप उनको साजिशी कहते हैं, वो तो ये कह रहे हैं आपस में एक दूसरे को हमेशा कंधा देने के लिए वो आगे आपके साथ होते हैं।
नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल नहीं ऐसी कोई बात नहीं आसमा, असल में मैं भी एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ खुरम दस्तगीर साहब को कि इनके कायद मियां शबाज शरीफ को कातले आला इस वक्त पंजाब के अवाम कह रहे हैं और उन्होंने 150 लोग जैली दवाइयों में और 800 के करीब लोग जो हैं वो डेंगी में हलाक हुए हैं और अब मियां शबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने मच्छर के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। अब इनकी अंदाजा लगाएं इनकी बुखलाहट का कि ये मच्छर वाली बीमारी भी जो है वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये साजिश की है। तो मैं ये समझता हूं कि हम उसूली तौर पे और हर लिहाज से ये इस वक्त जो पंजाब के हालात हैं ये इस हद तक पहुंच चुके हैं कि मियां शबाज शरीफ साहब ऐसे कप्तान हैं कि वो जब मैच खेलने के लिए उतर रहे हैं तो 10 खिलाड़ियों को कहते हैं कि आप बैठे स्टेडियम में, मैं अकेला ग्राउंड में खेलने जाऊंगा और वो अकेले वन मैन शो पंजाब में चल रहा है, कोई यहां पे इंतजाम नहीं है, लोग मर रहे हैं, डाकू राज है। लेकिन ये आप कह रहे हैं लोग मर रहे हैं, दवाइयों से मर रहे हैं, अभी दवाइयों वाले इशू पे भी उन्होंने कहा कि मरकज में बैठा हुआ एक शख्स जो है वो साजिश कर रहा है और डेंगी पे भी जो कुछ हुआ वो वहीं से हुआ और वो उन्होंने कहा कि कोर्ट के अंदर जाके वो इन कैमरा अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराएंगे। तो ये मरकज में बैठा हुआ शख्स कौन है, एक शख्स कौन है मरकज में बैठा हुआ जो इस तरह से मैंने तो आसमा कहा है कि वो आए हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उस शख्स का नाम बताएं, उस पर पर्चा कराएं कि इसने मच्छर के खिलाफ साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है, हम तो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो एक ऐसा बयान उन्होंने दिया है जिससे पूरी कौम परेशान है कि उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी ने मच्छर के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। तो इससे आप इनकी कफियत जो है या जो बुखलाहट है या जो इनकी इस वक्त दिमागी हालात हैं उसका अंदाजा लगाएं। इससे तो अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ब्रेक लेती हूँ राजीव, परेशानी मुझे राजीव साहब ब्रेक लेनी है। आप कह रहे हैं इनसे दोनों के जवाब, बिल्कुल आप दोनों के जवाब देंगे, खुरम दस्तगीर साहब से मैं जवाब लूंगी कि जो फारूक अमजद मीर साहब ने कहा और फिर प्लस राजीव साहब क्या कह रहे हैं कि साजिश अगर होती है तो मरकज में बैठा हुआ शख्स कौन है, वो उसका नाम मैं जरूर जानूंगी इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब से एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही है साजिशों के हवाले से, मरकज में बैठे हुए लोगों के खिलाफ कौन साजिशें कर रहे हैं और प्लस पंजाब में बैठे हुए लोगों के खिलाफ मरकज से कौन साजिश कर रहे हैं। आप खुरम दस्तगीर साहब जरा पहले नाम तो बता दें, ये जो आपके वजीर आला साहब है उन्होंने नाम लिया कि एक मरकज में बैठा हुआ शख्स डेंगी की साजिश भी की और ये दवाइयों वाले इशू पे भी। जी पहली तो जो डेंगी की उन्होंने बात की है वो ये इसलिए उन्होंने फरमाई कि राजा साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर मच्छर के साथ मिलकर साजिश नहीं हो सकती तो इसका मतलब यह है कि डेंगी जो पिछले साल आया है उसमें मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कोई रोल नहीं है। वो एक कुदरती आफत थी, वो आई और उसका हमने बड़ी महारत से और इंतजाम। लेकिन वो शख्स कौन था मरकज में बैठा हुआ शख्स कौन है? दूसरा इशू है वो उन्होंने जो उनका जिक्र किया है वो अखबारात में बड़ी वजाहत से छप चुका है कि वफाकी हुकूमत जिसके जिम्मेदार जनाब यूसुफ रजा गिलानी और जनाब आसिफ जरदारी हैं कि हुकूमत पंजाब ने उनको जब इन प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखा पिछले साल जुलाई में और ये कहा कि जी आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो हम बनाना चाह रहे हैं, पंजाब कंसेंट दे, और पंजाब ने फौरन अगस्त में दो खतों के जरिए जनाब शहबाज शरीफ ने अपनी कंसेंट दी कि जब तक पंजाब अपनी ड्रग रेगुलेटरी रजीम नहीं क्रिएट कर लेता उस वक्त तक फेडरल गवर्नमेंट ही अपना काम करे, और फेडरल गवर्नमेंट जो है अगर वो इस मामले में अपना काम नहीं करती, जिसकी वजह से हमें आज ये देखना पड़ गया कि हमें हमारे पास जो है जो इक्विपमेंट मौजूद था उसके मुताबिक एक बेहतरीन कोशिश की गई। और ये मैं जरूर बार बार आपके नाजरीन को वजाहत करूंगा कि जहां बिलाशुबा हलाकतें हुई हैं और इंतहाई अफसोसनाक हैं, तो इसका मतलब शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि गिलानी और जरदारी साहब जिम्मेदार हैं इसके। 40,000 लोगों को, पाकिस्तानियों को, गरीब पाकिस्तानियों को अपने दिल की एक महीने की दवाई हर महीने मुफ्त दी जाती। अगर अगर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ये बन जाती तो अगर अगर नहीं बनी खुरम दस्तगीर साहब, अगर ये नहीं बनी, मुझे सिर्फ उनके नाम चाहिए ना जो मरकज में बैठे हुए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है शहबाज शरीफ साहब जिक्र कर रहे हैं, तो ये कौन है, गिलानी साहब है, जरदारी साहब है? फेडरल गवर्नमेंट के जो जिम्मेदार हजरात हैं जिनका मैंने नाम भी लिया है वो उसमें शामिल है, क्योंकि आपके नाजरीन को ये बात क्लैरिटी होनी चाहिए कि लैब ने ये कहा है कि ये दवाइयां सिर्फ कंटेमिनेटेड नहीं है, एक दवाई जिसका दिल दवाई से कोई ताल्लुक नहीं है
मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसकी बहुत बड़ी मकदार उसके अंदर बिल्कुल उसमें शामिल की गई थी। ये क्राइसिस, चले ये क्राइसिस, फिर इन्हीं इन्हीं लोगों के साथ फिर मैं भी यही सवाल उठाऊंगी। बात कर हम आपके टेस्ट करते हैं कि जो जो दवाई खरीदने का हुक्म दिया गया है क्या वो दवाई पूरी स्ट्रेंथ में मौजूद है, लेकिन कंटेमिनेंट जिनकी तादाद हजारों में हो सकती है हर लेकिन ठीक बिल्कुल नहीं होता। आप फिर वो दवाइयों वाले इशू पे ठीक है आप आ गए। मेरा ये सवाल आपसे मैं यहाँ ये सवाल उठाऊंगी। फारूक अमजद मीसा भी जैसे ये कह रहे थे कि आपस में आप लोग मिले हुए, दूसरी बात अगर इतने इश्यूज थे तो फिर इन्हीं लोगों के साथ 20वीं तरमीम भी आप करने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल बातचीत तो चल रही है ना, उस पर भी कंसेंसस हो रहा है, कुछ शराइत आप लोगों ने भी रखी, फिर इन्हीं के साथ आप 20वीं तरमीम भी करने जा रहे हैं? जी मामला तो ये है कि मुल्क को हमें जमहूरी तरीके से आगे चलाना है, और अगर हमारी जाती दुश्मनियां होती जिस तरह 90 की दिहाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की थी तो ये सारे काम नहीं होने थे, लेकिन हमने उससे सबक सीखा है, हमें आगे बढ़ेंगे जमहूरी तरीके से। मामला इस तरह के कानूनी उठते हैं आप उनका हमने हल करना है। अगर हम ये कहते हैं कि हमें आसिफ जरदारी की शक्ल नहीं अच्छी लगती लिहाजा हम इससे कोई बात नहीं करेंगे, ये बात नहीं, हमें मुल्क को आगे फारूक ये आपकी नाजरी को मालूम होना चाहिए, हमारी मुस्लिम लीग नून की दोस्ती है और वो दोस्ती है पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत के साथ। पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत के साथ, इसमें अवाम कहाँ गए? इसमें अवाम कहाँ गए? आपके आपके वजीर आला खुद से बैठ के कहते हैं कि एक मरकज में बैठा हुआ शख्स जो हलाकते हुई है उसका जिम्मेदार वो है। फारूक अमजद मीर साहब मैं ये सवाल फिर उठाऊंगी, मुकम्मल अमेंडमेंट में जो हम बातचीत कर रहे हैं वो इलेक्शन क्वेश्चन पाकिस्तान को मजीद फाल और इंडिपेंडेंट बिल्कुल आप उसके लिए कर आइन के लिए कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात। आप आइन और जमहूरियत के लिए जमहूरी रास्ते पे चलने के लिए आप इस तरह की तरमीम कर रहे हैं। फारूक अमजद मीर साहब फिर एतराज होना चाहिए अगर ये मिलकर चलते हैं, तरमीमें लेकर आते हैं, कंसेंसस के साथ आगे अगर बढ़ते हैं मुल्क के आइन को स्ट्रेंथन करने के लिए, और फिर जब अवामी इशूज आते हैं तो वो कहते हैं जी हम इनको काउंटर भी करते हैं, आपको क्या लग रहा है फिर? देखें इसका मतलब ये है जो मैं कहता हूँ, ये निजाम को बचाने के लिए ये दोनों इकट्ठे हैं। उस वक्त ना पीएमएलएन ने ऐसी कोई शर्त रखी है कि आप साजिशें नहीं करेंगे, या मुस्लिम लीग नून ने भी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी कि जी आप अपनी नाहलियत से पंजाब के लोगों को मारेंगे नहीं। इन्होंने कोई अवामी शर्त नहीं रखी, दो तीन शरायत एनआरओ में ये होगा फलाम में ये होगा जिसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और 20वीं तरमीम पे अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। मैं आपके सामने बड़ी वजाहत से ये कहना चाहता हूँ ये दोनों पार्टियां अपनी जिंदगी की आखिरी हद तक जाएंगी इस निजाम को बचाने के लिए, और पाकिस्तान के अवाम अब समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने इन लोगों से जान छुड़ानी है तो इस सिस्टम को साथ जो है वो जाना पड़ेगा जिसके तहत ये अंदर बैठ के साजिशें करते हैं, और इसीलिए लेकिन ये सवाल पैदा होता है। फारूक अमजद मीर साहब आप ये कह रहे हैं इस सिस्टम को, मैं एक सवाल खुरम दस्तगीर साहब, खुरम दस्तगीर साहब इंकलाब जो है वो जमाली और लगारी और होती और तरीक और मीर और बहुत सारे जो है मियां अजहर ने बनना है, तो यह तो कोई इंकलाब नहीं आने वाला, आएगा इंशाल्लाह। सवाल सुन ले मेरा सवाल सुन ले, अगर यही लोग आप कह रहे हैं कि सिस्टम को फिर अगर यही लोग चलाते रहे तो फिर हमें आगे आना पड़ेगा, फिर ये कहा जाता है हम भी जब इनसे ये सवाल करते हैं कि जी आप बाहर निकले, ये कहते हैं कोई तीसरी कुव्वत आ जाएगी, तीसरी कुव्वत के अंदेशा है और यही अंदेशा अब एतजाज हसन को भी लगता है अदालती मामलात में भी, तो फिर आपको नहीं लगता अगर ये मिल करना चले तो फिर ये कहते हैं कि जमहूरियत डी रेल हो सकती है? फारूक अमजद मीर साहब देखे जमहूरियत जो है वो इस वक्त किसका नाम है, इस वक्त ये मुखालफत अवानों के अंदर होनी चाहिए और अवानों के अंदर हुई है और सख्त तरीन मुखालफत। जी फारूक अमजद मीर साहब ये जिसको ये मुखालफत अवानों के अंदर कह रहे हैं उसको पाकिस्तान के अवाम नूरा कुश्ती कहते हैं, नूरा कुश्ती, ये नूरा कुश्ती बहुत हो गई है, अब लोग समझ गए हैं कि इन दोनों पार्टियों ने उनके साथ हमेशा यही करना है, इसलिए इनसे इन्होंने जान छुड़ानी है। मैं जो गुजारिश ये कर रहा था कि पाकिस्तान के लोगों के साथ जो कुछ हो गया है, और अब इस वक्त सिस्टम है क्या, पीपल्स पार्टी का सारा सिस्टम मैं बयान करने लगा हूं दो फिक्रों में, आसिफ अली जरदारी के स्विस बैंकों में पड़े हुए पैसों को बचाना है, मुल्क का जो मर्जी हो अवाम का जो मर्जी हो, पीएमएलएन ने जो है वो एक मखबूतुल हवास आदमी को जो खुद को खादमे आला पंजाब कहता है और जिसने लाहौर में डाकों में और जो कत्लों में इतने लोग नहीं मरते जितने उस शख्स की वजह से मर गए हैं, उसको बचाना है, और वो उसके साथ फिर जो है एक और इन्होंने बड़ा खूबसूरत काम किया हुआ है पीएमएलएन ने, मियां नवाज शरीफ साहब नरम नरम जुबान बोलते रहेंगे और शहबाज शरीफ साहब जो है वो गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट को बुरा भला कहते रहेंगे ताकि
कल को जिस तरह का बयान दिखाना पड़े, अगर साथ चलना जरूरी हो तो बयान नवाज शरीफ का निकाल लिया, अगर ये दिखाना अवाम को जरूरी हुआ कि हम इनके खिलाफ थे तो शहबाज शरीफ का बयान निकाल लिया, ये पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाने का वक्त खत्म हो गया। आप जवाब देंगे, राजा रियाज साहब काफी देर से खामोश है, राजा रियाज साहब काफी देर से खामोश है। खुरम, मुझे जरा उनसे सवाल एक करना है, फिर आपसे मैं जवाब बिल्कुल लूंगी इसी पे। राजा साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो फिर कह रहे हैं कि मुक मकाओ की पॉलिसी तो ना रखें ना नूरा कुश्ती है, ये सिर्फ आप दोनों बड़ी जमातें अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए करें, आपको अपने स्विस अकाउंट्स की फिक्र है, करप्शन आप जी भर के करें और फिर जब अगर मरने पे आते हैं तो कहते हैं जी आपके खिलाफ साजिश हो गई। जी मोहतरमा, ये जो मेरे भाई कह रहे हैं, इन्होंने जो सारे लोटे इकट्ठे किए हैं, रिजल्ट इलेक्शन लेने दे, इंशाल्लाह इनको जो बहुत बड़ा इनमें भी गुरूर आ गया है, इलेक्शन आएगा तो रिजल्ट पूरी कौम के सामने आएंगे। दूसरी बात यह है कि आप जानती हैं कि जनाब जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत के बाद कोई हुकूमत अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकी, और ये मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, वो हमारी बहुत सी मुखालफतें आपस में, बहुत से हमारे इख्तलाफ है, लेकिन एक चीज पे हमने सबक सी के हम मुतफिक हैं कि हमने जमहूरियत को बचाना है, सिस्टम को डीरेल नहीं होने देना। और मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम तो नहीं हो रही है, नहीं नहीं नहीं, कोई नूरा कुश्ती नहीं है, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, ये जमहूरियत के साथ मोहब्बत है, ये जो जमहूरियत के साथ हमारी अंदर की सोच है कि जमहूरियत को चलना चाहिए, और आज पाकिस्तान के हर शोबे ने कह दिया है कि जमहूरियत को हर सूरत कायम रहना चाहिए, मीडिया ने कह दिया, वकला ने कह दिया, सिविल सोसाइटी ने कह दिया, तो ये जो साहब हैं इनको सिर्फ इलेक्शन की जल्दी है, इंशाल्लाह इलेक्शन वक्त पे होंगे, ये आए हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़े, इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी। एक सवाल फिर यहाँ ये पैदा हो जाता है, मुझे ब्रेक भी लेनी है, मुख्तसर मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं आप दोनों बड़ी जमातों ने सबक सीख लिया, हमने फूंक फूंक के कदम रखना है, जमहूरियत को बचाना है, दोनों बड़ी जमातों ने सीख लिया जमहूरियत को बचाना है, तो फिर साजिश कौन कर रहा है आपके खिलाफ, अगर दोनों इस पे कंसेंसस है कि जमहूरियत को हमने बचाना है, हमने आगे मिलकर चलना है, हम भी यही कह रहे हैं, तो फिर साजिश कहां से आ गई, ये नहीं 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 साजिश सिर्फ इतनी है कि जल्द इलेक्शन हो जाए, लेकिन ये कोई नहीं, ये चाह रहे हैं कि सेनेट की वजह से, मैंने आपको पहले बताया कि जल्द इलेक्शन हो जाए, लेकिन ये कतन ये नहीं चाहते कि कोई तीसरी कौत आए, ना ये मियां नवाज शरीफ चाहते हैं, मैं इवन मैं कहूंगा कि इमरान खान साहब भी ये नहीं चाहते कि तीसरी कौत आए, और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी मुस्बत सोच है, ठीक मुस्बत सोच है, और फिर भी मुझे जवाब नहीं मिला, फिर क्यों पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अगर ये मुस्बत सोच हर जगह मौजूद है तो फिर साजिश कौन करता है इनके खिलाफ, अगर जमहूरियत को सब बचाना चाहते हैं, सिस्टम को चलाना चाहते हैं, साजिशें कहां तैयार होती हैं, कौन करता है और इसको कौन बेनकाब करेगा, इस पर बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं, साजिशों का हमने जिक्र किया, एक ही जवाब मिला, कोई साजिश जमहूरियत के खिलाफ कोई नहीं होगा, सिस्टम को डीरेल नहीं करेगा। खुरम आपसे भी फिर मैं ये जानना चाहूंगी, उनको पहले आपसे शिकायत थी पीपल्स पार्टी को और साजिशों का जिक्र करते थे तो आपका नाम आ रहा था, अभी ये कंसेंसस हो गया कि सब इसमें मुत्तफिक हैं, तो फिर ये साजिशों के जाल कहां फिर बुने जाते हैं? आसमा पहली बात तो ये है कि जो हमारी कमिटमेंट है जमहूरियत से उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, हम इनकी जो बद इंतजामी है, इनकी जो करप्शन है, जो उन्होंने पाकिस्तान के इदारों की तबाही की है, पाकिस्तान की मुईशत की तबाही की है, पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़ दी है अपनी महंगाई और जो मिसमैनेजमेंट से, हम इनके सख्त इन मुखालिफ हैं और रहेंगे, लेकिन आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। ये बात बड़ी वजाहत से मियां नवाज शरीफ भी फरमा चुके हैं और हम इस पर कायम है, हम पीपल्स पार्टी के मिस चले, फिर ये क्लियर हो गया, फिर ये आप गो जरदारी गो का नारा क्यों लगाते हैं, ये क्लियर हो गया, फिर गो जरदारी गो का नारा क्यों लगाते हैं? मामला ये नहीं है कि हमारी दुश्मनी आसिफ जरदारी से है, नहीं फिर गो जरदारी गो का नारा क्यों आता है? मिस गवर्नेंस से है, गो जरदारी गो फिर क्यों आता है? गवर्नेंस से है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी में है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी में है, चाहे वो सोशल पॉलिसी में, और जिस साजिश की बात कर रहे हैं वो हमें इस बात से सबक सीखना है जो कहा अमजद मीर साहब ने नूरा कुश्ती में, तो ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि After the referendum in spring 2002, designed to give legitimacy to Musharraf's presidents,
वी मेट अगेन, और ये वी है इमरान खान साहब एंड जनरल इंतजाम जमीर, एंड ही टोल्ड मी ऑफ द ग्रैंड नेशनल अलायंस एंड दैट्स व्हेन द अलार्म बेल स्टार्टेड रिंगिंग. तो ये जो दूरा हमेशा जब भी आईएसआई के बड़े के बावजूद नहीं माने हम, इससे पहले के मीर साहब जो है वो इमरान खान साहब का लबादा ओढ़े, मैं उनको ये सिर्फ ये याद करा दूं कि वो 5 साल मुस्लिम लीग काफ के रुकन. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. लिहाजा उससे पहले कि वो मुशर्रफ के बारे में कोई बात बोले. जी फारूक अमजदनी साहब, मुझे फारूक अमजदनी साहब, तो ये सिर्फ एक फिक्र में मैनिपुलेशन होती है, सिर्फ फिक्र में. अभी 2008 के इलेक्शन में भी बलोचिस्तान में बड़ी मैसिव मैनिपुलेशन हुई है, और पाकिस्तान में जो गैर आइनी कुवते हैं, जो जनरल्स की पॉलिटिक्स है, वो अगर से कमजोर हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हुई. उसको आप इमरान खान से रिलेट कर रहे हैं. हमें समझ कर आगे चलना है, और बात पाकिस्तान की आवाम की फलाह उसको फिर इमरान खान से रिलेट कर रहे हैं. फारूक अमजदनी साहब, आपको समझ आ गई होगी वो किसकी जगह इशारा कर रहे हैं. जी फारूक अमजदनी साहब, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसके लीडर इमरान खान पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, किसी पार्टी में नहीं गए. जबकि मुझे याद आ रहा है 70s में एक नौजवान जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था, वो तहरीक के इस्तकलाल में था. वहां से जब जियाउल हक ने मार्शाला लगाया बगैर किसी इलेक्शन के, वो पंजाब का वजीर खजाना बना. उसके बाद इलेक्शन लड़के, मैनिपुलेटेड इलेक्शन जिसको ये कहते हैं, वो लड़के फिर वो जो है वो मेंबर बने असेंबली के और मुस्लिम लीग. मुझे अब कर लेने दे बात, मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे. उठाएं जो सवाल, वो आप किस चीज की धमकी देते हैं सवाल उठाना? वो हमने कोई करप्शन की है? हमने कोई करप्शन की है? हमने करप्शन की है? मुझे जरा बात करने दे आप. उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो जुनेजो साहब को मुस्लिम लीग का सदर मान के उनके मेंबर बने, और उस जियाउल हक के कहने पे उसी मोहम्मद खान जुनेजो का कन्वेंशन उल्टा के फिजिकली इन्होंने फिर दरखास्ती ग्रुप बनाया, फिर दरखास्ती साहब को जो है वो हटा के मियां नवाज शरीफ साहब खुद सदर बने. जो इस तरह का लीडर है, आज भी अगर आ जाए नवाज शरीफ, आज अगर आ जाए, आज की डेट में अगर हम आ जाते हैं, जी फारूक अमजदनी साहब, अब वो इशारा आपकी जानिब कर रहे हैं. चलिए मेरी जात आ गई, अब मेरी जात आ गई, मैं इस पे जवाब दे देता हूँ. देखे मैंने शुरू में क्यों जातियात है इसमें, आप बात कर रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा. मैं वेलकम कर रहा हूँ, सुबह बात की तो वो अब आपको जवाब देंगे डिटेल से. मुझे बात करने दें. देखे दूसरी बात जो है वो मेरे बारे में ये कहते हैं, मैं लाहौर का नायब जिला नाजम रहा हूँ, मैं MNA रहा हूं, दोनों काम मैंने इलेक्शन लड़के लड़े हैं. मियां नवाज शरीफ साहब की तरह बगैर इलेक्शन के पंजाब का वजीर खजाना नहीं बना हुआ मैं, और से तो नहीं लड़े ना, और मैंने जिस पार्टी से भी लड़े हैं मैंने इलेक्शन लड़े हैं. और उसी एक फिक्रा और मियां नवाज शरीफ पार्टी तब्दील करें तो वो नेक आदमी है. और मैं जो गुजारिश करने लगा हूँ, मैंने जो है वो मुस्लिम लीग काफ के अंदर रह के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था MNA के तौर पे, करप्शन के खिलाफ मैं उस वक्त भी था, आज भी हूँ, आइंदा भी रहूंगा इंशाल्लाह. अपने दामन के भी देख, एक दामन पे दाग नहीं है इंशाल्लाह, हर दाग है इस दिल पे बजुस दाग है नदामत. राजे साहब आप फिर सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अगर आप दोनों को आपस में एक बड़ी जमातों को कोई खतरा नहीं, आपको इमरान खान से खतरा नहीं कि जमहूरियत को डी रेल करेंगे, नून लीग से कोई खतरा नहीं डी रेल करेंगे, फिर अगर आप पे जो आप लोगों के अब केसेस आ गए कंटेम्प्ट का, जब प्राइम मिनिस्टर 13 फरवरी को पेश होंगे और कंटेम्प्ट लगती है, जेल जाते हैं, क्या करते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी क्या करेगी? आपके प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, क्या करेंगे, जेल जाएंगे या फिर हालात का मुकाबला करेंगे आप लोग डटकर? पहली बात तो यह है कि ये जो तरीके इंसाफ है, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये अपना नाम बदल के लोटा लीग रख लें. दूसरी बात यह है कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हमने कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया. हमारा वजीर आजम पहले भी गया है, बड़े अदब से गए हैं, हमने जाके अपना मौकफ बताया है. अब 13 को बुलाया है सुप्रीम कोर्ट में, इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे. हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हम अदारों का एहतराम करते हैं, और जो भी फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा. पहले भी किया जाता है, आइंदा भी किया जाएगा. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जी सेनेट इलेक्शंस अपने टाइम पे होंगे जी इंशाल्लाह ताला. हजारों साजिशों के बावजूद सेनेट के इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह जीतेगी. चले आप कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी, और खुरम आप क्या कहते हैं कि आपको लग रहा है सेनेट इलेक्शंस टाइम पे होंगे या फिर कुछ ना कुछ नया फिर सीन हम देख रहे हैं, कभी मेमो आ जाता है, कभी कोई पिटिशन आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो अब सेनेट के इलेक्शंस बर वक्त आपको नजर आ रहे हैं? जी जो तो जमहूरी प्रोसेस है अपनी जगह पर है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जो कैंपेन शुरू की है पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस के खिलाफ, लोड शेडिंग के खिलाफ, वो जारी रहेगी और उस जारी में अभी 2 मार्च तक वो हमारी भी जारी रहेगी आपके खिलाफ जिस तरह आपने लोग मारे हैं. जो जो
बात मीर साहब की है वो माशाल्लाह बड़े शायराना ज़ौक रखते हैं, तो वो उनके लिए भी अर्ज है। और बहुत सारे जो लगारी जमाली होती काफ लीग छोड़कर आए हैं कि मैखाने की रौनक है कभी खानकाहों की, अपना की हवस वालों ने जो रसम चली है। तो हवस वाले पहले कहीं और थे, अब यहाँ आ गए हैं। और मामला है कि वो मैखाना था मुशरफ का, अब जो है वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब की खानकाह है, लेकिन असल तो है कि हवस वालों की रसम वही है। बात तो ये है कि किस पार्टी ने, और हमें पार्टियों का क्लैरिटी है कि हमेशा से कोशिश की है कि हम जमहूरियत को आगे चले, आप जमहूरियत को आगे लेकर चलेंगे। ठीक, फारूक अमजद मीर साहब, आखिरी बात करेंगे, 20 सेकंड है फारूक अमजद मीर साहब, आखिरी बात करेंगे। ये सब इकट्ठे हैं जमहूरियत को बचाने के लिए, आप लोग क्या करेंगे, क्या आप इनके रस्ते की रुकावट बन रहे हैं दोनों बड़ी सियासी जमातों की इस वक्त? दोनों की आपने बात सुन ली, इन्होंने बड़ा वाजे ये कह दिया है कि चाहे आखिरी दिन हुकूमत का हो, हम इसी तरह की टोपी ड्रामा किस्म की स्ट्रगल करते रहेंगे और एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे, अवाम को कोई रिलीफ नहीं देंगे। मैं आसमा आपको मुबारकबाद देता हूं, आपके इस प्रोग्राम के जरिए बड़ा अवाम को वाजे हो गया है कि ये दोनों नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, ना कोई इनमें से किसी को हटाना चाहता है, ना वक्त से पहले जो है ये हुकूमत किसी को घर भेजना चाहते हैं, ये दोनों इसी तनख्वाह में काम करना चाहते हैं, क्योंकि इस सिस्टम को बचाना पीपल्स पार्टी के लिए आसिफ अली जरदारी के पैसे बचाने के लिए जरूरी है, और मियां नवाज शरीफ और उनके साथियों का जो है वो अपने मामला ठीक रखने के लिए जरूरी है। पाकिस्तान के अवाम के लिए दोनों हुकूमत नहीं कर रहे, और इंशाल्लाह ताला हम इनकी जगह पे जब आएंगे सिस्टम भी ठीक करेंगे और लोगों को जो है हम हुकूमत देंगे। जी जी खुर्रम, इलेक्शन आने दो, जो अवामी इज्तिमा है वो जनाब नवाज शरीफ ने लीड किया है अदलिया की बहाली के लिए, और उस दिन मीर साहब की उस वक्त तो पार्टी नहीं थी, आज उनकी पार्टी। चले यहाँ पे अच्छी बात है, अगर उनकी पार्टी होगी उन्होंने ज्वाइन कर ली। राजा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे क्लोजिंग पे जाना है, पाकिस्तान की तारीख बदली है। ठीक राजा साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे क्लोजिंग करनी है। जी राजा साहब जी, मैंने सिर्फ इतना कहना है कि ये मीर साहब को के इलेक्शन आ लेने दे, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम लोटों को किस तरह रिजेक्ट करते हैं, जिस तरह आपको करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब, फारूक अमजद मीर साहब आपका शुक्रिया, खुर्रम दस्तगीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में बात हुई कि साजिशें कौन कर रहा है, गुफ्तगू से तो हमें यही लगा बड़ी सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक है कि जमहूरियत को इसी तरीके से चलते रहना चाहिए और इस सिस्टम को डीरेल नहीं होना चाहिए। फिर हमारा यही सवाल होगा, तो अगर यही सब कुछ ऐसे ही अहम तरीके से चलता जा रहा है तो फिर साजिशें कौन कर रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और इन शो में कौन शरीक है, इसका जवाब शायद पाकिस्तान के आवाम बेहतर दे सकते हैं। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।